हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने वीडियो का जो बैकग्राउंड है कैसे रिमूव कर सकते हो, वो भी बिना कोई एप्लीकेशन के। ऑनलाइन आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। अगर आप लोग के पास ग्रीन स्क्रीन है तो काफ़ी अच्छी बात है, ग्रीन स्क्रीन से भी कर सकते हो। अगर आप लोग के पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है, अगर आप लोग कहीं पब्लिक में शूट किए हो या फिर आप लोग के पास कोई अलग बैकग्राउंड है, तो आप लोग उसको कैसे रिमूव कर सकते हो वो भी ऑनलाइन। आप लोग कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं, बस आप लोग को अपलोड करना है एंड देन उसके बाद फिनिश, मतलब कि आप लोग का अपने आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, वो भी फ्री में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो से पहले आप लोग जल्द से जल्द जाके मेरे यूट्यूब को चैनल को आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी 1K ऑलमोस्ट होने वाला है एंड आप लोग जब तक ये वीडियो देख रहे हो तब तक तो 1K हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी लाइक दिस। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जाना है आप लोग के गूगल सर्च पे एंड वहाँ पे आप लोग को सर्च करना है, जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बैकग्राउंड वीडियो रिमूवर एंड इस पर आप लोग को सर्च कर देना है। आप लोग के पास जो भी हो, PC हो, कंप्यूटर हो, आप लोग के पास लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ हो आप लोग के पास, चाहे आप लोग के पास iOS हो, चाहे आप लोग के पास कोई सा भी OS हो, आप लोग उसमें कर सकते हो। तो अभी मेरे पास फिलहाल एंड्रॉयड है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो जो सबसे फर्स्ट वीडियो फर्स्ट लिंक आ रहा है उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आप लोग को थोड़ा इसको लोड होने तक वेट करना है। एंड ये काफ़ी ट्रस्टेबल वेबसाइट है, आप लोग कोई वायरस की टेंशन नहीं लेने का। एंड आप लोग देख सकते हो ये सिक्योर वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग इसका रीड कर सकते हो जो भी करना है। तो यहाँ से आप लोग ट्राई इट नाउ पे क्लिक करो। एंड ये मेनली कब यूज़ होगा मैं आप लोग को बता दूँ कि जैसे आप लोग कभी मीम बनाते हो या फिर आप लोग कहीं शॉर्ट वीडियो, फनी वीडियो अगर आप लोग के वीडियो में ऐड करना है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग को लॉन्ग करना है तो इसमें आप लोग को कुछ पे करना पड़ेगा, तो ही आप लोग का होगा। और मैं आप लोग को बता दूँ सबसे पहले वीडियो करके, तो यहाँ से आप लोग को अपलोड क्लिप पे क्लिक करना है एंड उसके बाद अपने फाइल पे जाके अपने वीडियो फाइल को कर लेना। तो अभी मैं यहाँ से एक फाइल को जो मैंने अपलोड किया था जब मेरा स्ट्राइक पड़ा था, वो वीडियो को मैंने क्रॉप कर लिया है और उसको लगभग मैंने 10 सेकंड का बना लिया। तो मैं भी इसको अपलोड करता हूँ एंड अभी देख सकते हो आप लोग यहाँ पे जो मेरा वीडियो है अपलोड हो रहा है। एंड अपलोड होने के बाद यहाँ पे अपने आप प्रोसेसिंग चालू हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं, यहाँ पे आप लोग GIF बना सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप लोग को कुछ सब्सक्रिप्शन लेना है तो यहाँ से आप लोग अपना ईमेल आईडी डाल के कर सकते हो। कभी कुछ ऑफर वगैरह आया तो आप लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरा वीडियो अभी प्रोसेस हो रहा है, अपलोड भी हो रहा है साथ में प्रोसेस भी हो रहा है। एंड इस वीडियो में मेन बात ये है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट वाइट है, क्रीम कलर का है एंड मेरा जो टी शर्ट है वो भी वाइट है। तो इसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहा है। एंड इसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी अपने एडिटर में जाके कि ये कितना हुआ, क्योंकि अभी तो पता नहीं चल रहा, क्योंकि बैकग्राउंड भी जो रिमूव हुआ है वो वाइट में है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। एंड अभी आप लोग देख सकते हो बाजू में एक इधर वाटर मार्क आ रहा है, तो आप लोग को वो अगर आप लोग को वाटर मार्क आप लोग हटाना है तो यहाँ पे अनस्क्रीन प्रो पे आप लोग को करना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को वो भी करके बताता हूँ। तो यहाँ से आप लोग को डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ से फटाफट एक्सपोर्ट होकर डाउनलोड होने चालू हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अनस्क्रीन प्रो का यहाँ पे नया नया फीचर्स इसमें आप लोगों को देखने मिलेगा, नो वाटर मार्क एंड फुल लेंथ। अगर आप लोग का पूरा वीडियो का फुल लेंथ है आप लोग उसको कर सकते हो। अगर आप लोग का बड़ा वीडियो तो मैं बोलूँगा कि आप लोग उसके स्टार्टिंग में एंड लास्ट में आप लोग कुछ ब्लैंक से कर दो, ब्लैंक वीडियो कर दो, क्योंकि बीच में से क्रॉप हो जाएगा तो आप लोग का पूरा वीडियो ऑलमोस्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से मैं इसको डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फुल HD है। एंड कि अगर आप लोग लोगे तो आप लोग को सब मिल जाएगा, ऑडियो सपोर्ट भी मिल जाएगा। अभी फिलहाल तो इसमें ऑडियो सपोर्ट नहीं मिलता, ये आप लोग को मेनली GIF एंड आप लोग को कॉमेडी वीडियो में बनाने में हेल्प करेगा। कि आप लोग इसको करके एंड इसके ऊपर आप लोग वॉइस ओवर, कि जैसे आप लोग का ओरिजिनल वीडियो आप लोग वो वीडियो को आप लोग उसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लो एंड ये जो है ये वीडियो जो आया है उसको आप लोग साथ में सिंक कर लो, तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ एंड भी आप लोग देख सकते हो फिलहाल वाइट दिखा रहा, तो आप लोग कुछ समझ नहीं रहा होगा कि कहाँ कुछ हो रहा है। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने एडिटर पर एंड यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं गया अपने पावर डायरेक्टर पे एंड यहाँ पे जाके मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे गया एंड यहाँ पे जाने के बाद 16:9 का एक्सपेक्ट रेशियो चूज़ किया एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे। तो मैं यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट कर लूँ कि मेरा कहाँ डाउनलोड हुआ है।
तो फ्रेंड्स अभी मेरे एडिटर में मतलब कि पावर डायरेक्ट में भी वो फाइल मिल नहीं रहा है कि कहाँ पे वो ऐड हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपने मतलब गैलरी पे जाके। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मतलब फाइल भी ऑलमोस्ट 10 MB का है एंड ओरिजिनल मैं इसका दिखा देता हूँ ओरिजिनल कितना MB का था, तो आप लोग को एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना साइज इसका कंप्रेस होता है। तो आप लोग देख सकते हो 11 MB का था एंड यहाँ पे 7.4 MB, यानी कि ज़्यादा आप लोग का क्वालिटी डाउन नहीं हुआ है। वो भी आप लोगों का क्वालिटी भी डाउन नहीं हुआ क्योंकि आप लोग का बैकग्राउंड जो इरेज हो गया तो उसी का डेटा मतलब नहीं दिखा रहा है। तो अभी आप लोग को मैं प्ले करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा पीछे आप लोग को देखने मिलेगा, अगर आप लोग पेड वर्जन लेते हो तो उसमें शायद आप लोग को नहीं देखने मिले। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो को लेते हैं, तो अगर आप लोग को ये ट्रिक पसंद आए तो आप लोग कर सकते हो एंड इसको आप लोग मीम में आराम से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप लोग मीम देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, ये भी मीम पे यही हुआ था, मतलब ऐसे ही एडिटिंग हुआ था। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो को लेते हैं, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए क्योंकि 1K हो गया है एंड थैंक यू सो मच। तो मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।